अगर आपके साथ फ्रॉड करने आ रहा है तो मेरे को इससे भी बड़ा फ्रॉड करने का टाइम निकल गया। नहीं, परचेसिंग डेट है, हम लोग जो शॉप पे जो परचेस करते हैं ना, वो डेट है, तो 14 हो, अभी 15 आया। 15 आने में क्या, एचके लेने में क्या होता है, एक्टिवेशन फोन ही आते एक महीना तक, अच्छा, उसके बाद में नॉन एक्टिवेट आते हैं। लास्ट में एंड में यार बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप लोगों को भी मजा आएगा, ठीक है, तो इसको देखिएगा जरूर, आप लोगों के भी इसमें डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, बंदे का नाम है शहरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को कवर पेज देख के नजर आ रहा होगा कि यार एक फ्रॉड स्कैम हुआ है मीना बाजार में मेरे सब्सक्राइबर के साथ, तो वही पूरी वीडियो में आप को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हुआ क्या है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि रात को 8-9 बजे के करीब मेरे यूट्यूब पे चैनल पे एक वीडियो पे कमेंट आता है कि भाई आपकी वीडियो देख के हमने सिटी चॉइस से फ़ोन लिया और हमारे साथ फ्रॉड कर दिया उन्होंने, हमने 4 iPhone लिए थे, ठीक है। तो यही पूरी डिटेल वीडियो है, तो चलिए वहीं चल के देखते हैं कि क्या सीन है, पूरा सीन आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के बहुत काम आएगी जब आप दुबई फ़ोन लेने आते हैं, इंडिया वगैरह जहां से भी, पाकिस्तान से, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मीना बाज़ार और देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। जाहिर सी बात है 8-9 बजे रात को आया था, तो मैं दूसरे दिन क्योंकि वीकडेज में आया है तो मैं ऑफिस करके, और थोड़ा मीना बाज़ार जो है मेरे घर से थोड़ा डिस्टेंस पे है, मतलब आधा घंटा 45 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में, बड़ दुबई क्योंकि वो लोकेशन है, ठीक है। तो मैं दूसरे दिन फिर वहाँ गया पूरा मामला पता करने, तो फिर मैं पहुंच गया था सिटी चॉइस पे। मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स मंगा ली थी, फ़ोन की बिल कॉपी वगैरह सारी, ताकि और सारी उनसे डिटेल्स ले ली थी ताकि मैं सिटी चॉइस वालों से बात कर सकूं कि आखिर मसला है। तो यार इस टाइम मैं खड़ा हूं सिटी चॉइस पे अकरम भाई के साथ, मुझे अर्जेंट अकरम भाई के साथ खड़ा हूं। अकरम भाई एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने यहाँ से आपके यहाँ से 4 iPhone 15 Pro लिए थे, तो वो बोलते हैं कि यार हमें एक्टिव फोन्स मिल गए और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अभी मैंने इनकी शॉप पे चेक किया, ऑनलाइन यहाँ जाके चेक किया, तो उसमें IMEI नंबर चेक किया ना, IMEI, उसका वीडियो डाल दो, उसका वीडियो मैं आपको डाल के बताऊंगा। तो अकरम भाई आप मतलब मोबाइल पे अगर चेक कर रहे हैं उस पर दिखा रहा है, जैसे उन्होंने 30 सितंबर को मोबाइल लिया था जी, जी। और उसमें एक्टिवेशन दिखा रहा है 27 सितंबर का, एक्टिवेशन नहीं है, एक्टिवेशन नहीं, परचेसिंग डेट है, हम लोग जो शॉप पे जो परचेस करते हैं ना वो डेट है, उसके बाद में जो भी आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तभी से आपका डेट चालू होता है, अच्छा वो एक्टिवेशन डेट होता है, वो हम ऑनलाइन हम लोग सील पैक देते हैं, सील पैक हम लोग खोलते हैं, खोलने का होता है आपको ऑनलाइन में वाईफाई डाल के आपको एक्टिवेशन कर रहा है तभी आपका वर्लिस्ट आता था, उससे पहले बिल वैल्यूड हम लोग का जो बिल वैल्यूड डेट दे रहे हैं वही हो, उसके लिए आपको कोई इतना बड़ा फ्रॉड करके अपने को करोड़पति नहीं बनना है। तो एप्पल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप कवरेज चेक कर सकते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग गए, वैसे वो लोग अलाउ नहीं करते हैं लेकिन उन्होंने अलाउ किया, सिटी चॉइस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे दिखाया तो फोन्स वो एक्टिवेट हुए ही नहीं थे, तो भाई को हमारे कन्फ्यूजन हो गया था कि यार फ़ोन एक्टिवेट दे दिए, तो देखें उसमें एक्टिवेशन जो है जैसे कि वीडियो में बताया है कि एक्टिवेट आपका फ़ोन जब होता है जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो, मॉल्स वगैरह से अगर आप यहाँ पे दुबई में लेंगे तो वो लोग एक्टिवेट करके देते हैं, लेकिन आप मीना बाजार से लोगे तो वो लोग सील पैक आपको देते हैं, ठीक है, उसमें आप जब वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो ही जाके एक्टिवेट फ़ोन होता है और आपकी वारंटी जब से स्टार्ट होती है। कि हांगकॉन्ग का यार क्या कहते हैं अकरम भाई ने बताया था कि उसमें एक्टिवेट हुए फ़ोन आते हैं हांगकॉन्ग, चाहे वो सील्ड पैक भी हो, ये एरोजोन वाले ने भी मुझसे बोला था कि अगर वो सील्ड पैक भी हैं तो भी वो एक्टिवेट हुए होते हैं हांगकॉन्ग वर्जन, बाकी मैंने कभी लिए नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कमेंट्स यार करने से पहले पहले आप डिस्कस किया करिए चीज़ें, समझा करिए कि असल है क्या। जब एक्टिवेशन भी दे रहे हैं, अभी जो कोई भी अभी नया मोबाइल आता है, 13 हो 14 हो, अभी 15 आया, 15 आने में क्या, एचके लेने में क्या होता है, एक्टिवेशन फोन ही आते एक महीना तक, अच्छा, उसके बाद में नॉन एक्टिवेट आते हैं, वो हम लोग कस्टमर को समझा के देते हैं ये एक्टिवेशन है चाहिए क्या नहीं है, एक्टिवेशन का 4,300 रहेगा और जो नॉन एक्टिवेट का 4,700 रहेगा,
700-400 धर्म का डिफरेंट आता है। अब कस्टमर ये एंजॉय करते हैं, हमको एक्चुअली से 4 दिन का कौन सा लेना देना है यार, चार दिन में क्या बिल्डिंग बनाना है वो भी लेके जाते हैं। अगर किसी को अर्जेंट है हमको नॉन एक्चुअल चाहिए वही दे देते हैं। सही। बाकी एक चीज और आती है कम भाई, लोग इससे और बड़ा डाउट करते हैं कि यार मॉल में महंगा मिल रहा है यहाँ सस्ता, तो ऐसा क्या रीजन है यहाँ सस्ता फोन मिल रहा है? हम होलसेलर है भाई, होलसेलर है वही है। आपको अगर बड़ा मॉल में सस्ता नहीं चाहिए, पैसे ज्यादा आपके पास है तो मॉल से खरीदो, मॉल से खरीदो। आपको जिधर, हम तो कॉपी तो नहीं बेच रहे ना, आपको ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, ये हमारा दुबई में जो कॉर्नर पर शॉप है, हम लोग किराए कम है, लड़के लोग का सैलरी कम है, इलेक्ट्रिक बिल कम है। मॉल में क्या होता है, जो हम लोग 40,000 रुपया भाड़ा रहता तो उन लोग का 1.5 लाख रुपया रहता, और सैलरी परसेंट है जो एजुकेशन पीपल से रहेगा उसका 15-20 हजार रुपया सैलरी देगा, और बाकी का जो सपोर्टिंग उन लोग रहेगा, वो लोग का सब पैसा किससे वसूली करेगा? आप लोग से तो वसूली करेगा। सही बात है। तो ये हमको ये चीज में परवड़ते हैं तभी तो हम धंधा करते हैं। ओके, वो ये यार इस टाइम 12 बज रहे हैं लेकिन आप देख सकते हो ये लोग ऐसे ही नहीं के सिटी चॉइस पे भीड़ लगी रहती है। ठीक है, यहाँ पे चीज अच्छी मिलती है, जेन्युइन मिलती है, जब ही आती है अक्रम भाई के पास आप आओ। वो भी पहले बार नहीं आते, कंटिन्यू 10 साल से नहीं इधर है, 10 साल से आज तक आते हैं। एक बार आया गया निकल गया ऐसा नहीं, आप पूरे कंटेंट करते हैं, आपको आना और सिटी चॉइस पे और आते रहेगा और लेते रहेगा, हम देते रहेगा। लोग यार मुझ पे भी शक करने लगे कि आप सिटी चॉइस को क्या लेना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तो उनको बता दो कि आप मुझे कोई पैसे वैसे तो नहीं देते अक्रम भाई यार। भाई ये तो हमारे लिए एक ही आदमी है, मेरे पास हजारों यूट्यूबर यूट्यूब बनाते हैं और मेरा सच्चाई देख के वो लोग आते हैं, ऐसा नहीं पैसे देख के हम बुलाते हैं और देते हैं, हमारा सच्चाई देख के वो लोग आते हैं और आपके लिए वीडियो देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आ जाने का, नहीं तो छोड़ देना। आपके पास चॉइस है, आपका पैसा है, आपका पैसा है, आप जैसे खर्च करना चाहते जैसा खर्च करना। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो बिंदास खर्चा करना और कहीं भी आपको जाके ले सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊँ मेरे से लो, अगर मेरे पे विश्वास है तो ही अभी आ जाना है, तो नहीं आने का। मैं भी मेरा यूट्यूब में बताना 100 दुकान ट्राई करना, नहीं मिलेगा तो आ जाना, ये तो मेरा डायलॉग है। Exactly, जो नसीब पहले क्या कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका साथ फ्रॉड करने आ रहा है तो मेरे को इससे भी बड़ा फ्रॉड करने का टाइम निकल गया। बोलते हैं ना जिंदगी में सुधरने का टाइम निकल गया, अभी क्या सुधरेगा तो ऐसा ही है भाई, बिल्कुल। मतलब आप यार ये सब मत सोचा करो, ठीक है। मुझे भी अक्रम भाई का आदत अच्छा लगता है, मेरा यहाँ एक्सपीरियंस रहा है, मैं भी यहाँ से 14 Pro Max खरीद के लेके गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। मुझे और बाकी शॉप्स पे इतना अच्छा अच्छे से नहीं मिलते, मुझे अक्रम भाई बढ़िया से मिलते हैं, तो यार मैं आता हूँ इधर। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है, मैं आधा घंटा बैठ के जा रहा है, मैं पूरा दिन इधर 10 बजे से लेकर रात को 12 होते दिल्ली है, सुबह से रात तक अक्रम भाई इधर ही होता है, तो बेझिझक यार कस्टमर को मैं विजिट करता क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसा ही है, लड़का लोग सही है क्या गलत है कि मैं ये सब पूछते रहते हैं। सही। बाकी क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पेमेंट हो जाता है 2.25% उसका चार्ज लगता है। अच्छा, 2.25% क्योंकि हमारा होलसेल है। अच्छा। अगर रिटेल प्राइस में रखा तो एक साल में लिखेगा, अगले साल तक कोई प्राइस रहेगा, प्राइस ऐसे यूट्यूब में बताने का जरूरत नहीं। सही। बाकी अक्रम भाई, गोल्ड जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे यहाँ पे आईफोन्स का प्राइस कैसे ऊपर नीचे जाता है, मतलब वो क्या उसके? वो तो रिसेंट हम लोग ने बताया, हम क्वांटिटी लेता तो क्वांटिटी आएगा तो प्राइस कम करते, क्वांटिटी नहीं रहेगा तो प्राइस। अभी आईफोन 14 सीरीज का क्या हाल है, एकदम ऊपर गया, 3,500 में जो सेल किया था अभी 3,700 में सेल कर रहे हैं, इसको लेना है ले लो, लेकिन प्राइस बढ़ गया। जो माल नहीं आ रहा तो प्राइस बढ़ता है, माल आ गया तो प्राइस काटता है। हमारे भी आज वीडियो डाला यूट्यूब पे, हथौड़ा लेके भाग रहे हैं, वो वीडियो आप देख लेना सिटी जो यूट्यूब। तो आई होप अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अक्रम भाई। तो हमारे भाई के साथ हुआ क्या है, उनको मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने पहले पूरा समझने से पहले ही अपना डिसीजन दे दिया कि फ्रॉड हो गया। फ्रॉड यार एक बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि यार आप लोग जो है ना सही से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, देखें, ठीक है। तो खैर मेरा, मुझे उसमें मसला नहीं था, मुझे पता था कि यार मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ वो मैं जब सही चीज़ मुझे लगता है सही है तो ही बोलता हूँ, ठीक है। बाकी जो है बस भाई ने फ़ोन लिए थे तो इंडिया से आए थे बेचारे, इतनी दूर से पैसा खर्च करके यार, जब और मैं मतलब सभी जानते हैं कि यार पैसा बड़ी मुश्किलों से कमाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए ही जो है फ़ौरन मैंने वैसे मैं मीना बाज़ार वीकेंड्स पे जाता हूँ जब मेरी छुट्टी होती है, क्योंकि वहाँ पार्किंग वगैरह का बहुत इशू रहता है यार, ठीक है। आधा आधा घंटे तक पार्किंग वहाँ पर नहीं मिलती है,
तो मैं लेकिन दूसरे दिन ही गया ऑफिस करके अपना, क्योंकि भाई को जवाब भी देना था, क्योंकि वहाँ बेचारों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्योंकि चार उन्होंने आईफोन 15 प्रो लिए थे, तो यार बड़ा अमाउंट था, ठीक है। बाकी यार आप मेरी वीडियो देख के जाएं या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो अगर देख के जाते हैं भाई फ़ोन खरीदते हैं ना, तो देखें चीज़ों का ध्यान रखा करिए। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कल को कोई मुझे कमेंट करता है कि भाई आपकी वीडियो देख के गए थे, हमने मांगा 256 GB था, उन्होंने 128 GB दे दिया, तो उन्होंने हमारे साथ स्कैम कर दिया, फ्रॉड कर दिया। तो भाई मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा, ये आपकी गलती कहूँगा कि भाई आप लेते टाइम, आप जब फोन ले रहे हो तो सारी चीजें चेक करो ना, बॉक्स वगैरह में सब में मेंशन होता है कि कितने जीबी का फोन है, कौन सा TRA वर्जन है, जापान है, क्या है, सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं। मैं भी अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीजें एकदम ओपन करके बताऊँ, क्योंकि आप लोग बड़ी दूर से आते हो यार, भी अपनी कोशिश करता हूँ वीडियोज में कि आपको ज्यादा से ज्यादा ओपन करके सारी चीजें बताऊँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे और आप कभी भी किसी के आगे बेवकूफ ना बने। कि यार आपका पैसा है, आप जहां से चाहो वहां से फोन खरीदो, मॉल से खरीदो। इवन मैंने अपनी वीडियोस में ये तक बोला है कि मैं जो है पर्सनल अपना फोन लेने जाऊंगा तो मैं मॉल से खरीदूंगा, मीना बाजार से नहीं खरीदूंगा, ठीक है। फिर भी बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार आप प्रमोट कर रहे हो ना, ये कर रहे हो, तो भाई थोड़ा आप वीडियो देख के समझा तो करो कि मैं कह क्या रहा हूँ। वीडियो में अपने खुद बोलता हूँ ये चीज कि मत लो मीना बाजार से, अगर पहले मॉल से लो जाके, ठीक है। तो फिर फाइनली भाई जब ये उनको पता, मैंने बताया वहाँ से सिटी चॉइस से ही, वहीं मैंने उनको इंस्टा पे कांटेक्ट किया था, उनको बताया कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैंने वहाँ फोन्स भी उनके चेक किए जो कि अभी एक्टिवेट भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये हो जाती है कन्फ्यूजन, तो वही कह रहा हूँ पहले आप लोग चीज़ों को समझा करें, फिर जाके आप उस पर रिएक्ट किया करें, ठीक है। तो अब भाई का फिर उसके बाद थैंक यू का मैसेज आया था कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो भी डाउट हो तो यार मुझे इंस्टा पे आप कांटेक्ट करो, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आई होप कि आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।